हिस्सा जारी है हमारे डिस्ट्रिक्ट में, और हमें बहुत अहम कामयाबी भी मिली है जिसमें कई लोग जख्मी गिरफ्तार हुए। और आज एक सबसे अहम कामयाबी हमारी टीम ने हासिल की है, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हमने किया। डेली बेस पर नाकाबंदी हो रही है कच्चे की तरफ। आज SHO शहीद दीन मोहम्मद लगारी, इंस्पेक्टर गुलाम मुस्तफ़ा मीरानी, उसके साथ हमारी टीम इंस्पेक्टर वहीद भुट्टो, खलील अहमद और इनकी IT टीम, इन्होंने मिल के कार्रवाई की है। और अगवाकार अपने दो साथियों के साथ यहाँ पे किडनैपिंग के लिए आ रहे थे, उनके साथ पुलिस का लाइव मुकाबला हुआ, और मुकाबले के दौरान बदनाम जमाना डाकू, अगवाकार और दहशत की अलामत समझा जाने वाला मुलजिम सनाउल्ला वल्द मुलावशर, जिसे आप सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, और उसकी जितनी एक्टिविटीज़ हैं वो सोशल मीडिया पे पोस्ट करता रहा, और उसकी फॉलोइंग भी बहुत ज़्यादा थी, और पुलिस के अगेंस्ट और जो भी पुलिस के अच्छे काम किए उसके अगेंस्ट वो हमेशा गलत बातें करता रहा और पुलिस के अगेंस्ट लोगों को भड़काता रहा, और ये तमाम इस तरह की एक्टिविटीज़ में मुलविस था। इसके अलावा इससे 20 से ज़ायद केसेज़ हैं, और जो अहम केसेज हैं उनमें 302 के केसेज हैं, डकैती के केसेज हैं, पुलिस मुकाबले के केसेस हैं, और लास्ट ईयर 6 अक्टूबर को जो पुलिस की शादी हुई थी उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व था, और उसकी जितनी वीडियोस वायरल हुई वो इसने बनाई थी। तो पुलिस की बहुत अहम कामयाबी है, और इंशाल्लाह हम इस कामयाबियों के सिलसिले को जारी रखेंगे। जितने लोग इन्वॉल्व हैं वो लड़ेंगे तो इंशाल्लाह मरेंगे, और गिरफ्तार होंगे तो इंशाल्लाह अदालतों को फेस करेंगे, और पुलिस इन पे जितने केसेस हैं उनको परसू करेगी, और इंशाल्लाह इसको पाए तकमील तक पहुँचाएंगे। रोंती के इलाके जी, इसके सर की कीमत रेकमेंड की गई, अनाउंस नहीं हुई, मेरे ख्याल में 5 मिलियन रेकमेंड की गई, लेकिन अनाउंस नहीं हुई अभी तक, अप्रूव नहीं हुई। जी उसके केस में भी नॉमिनेट है, उसके केस में तकरीबन 100 के करीब लोग नॉमिनेट हैं, और उनमें बड़े बड़े डाकू हैं, और आपको अंदाज़ा होगा कि कच्चे के जो बिल्कुल अंदर के इलाके हैं वहाँ पे तकरीबन 20 से 21 गैंग्स हैं जो एक्टिव हैं, और ये उन तमाम का तर्जुमान था, आपके इलम में होगा, उन तमाम की नुमाइंदगी यही करता था सोशल मीडिया पर। जी नहीं, इसके साथ ही भाग गए जी, इसे कलाशन को बरामद हुई, इनका टिपिकल वेपन यही है जब पक्के पे आते हैं तो इसे कलाशन को बरामद। जी इससे माह के दौरान 7 के करीब ऐसे क्रिमिनल्स हैं जो ज़ख्मी हालत में गिरफ़्तार हुए, और इसके अलावा उनमें बड़े डाकू भी शामिल हैं, एक शाबान नाम का डाकू था वो भी ज़ख्मी हालत में गिरफ़्तार हुआ, वो अगवा परैतावान में डायरेक्टली इन्वॉल्व था, उसके साथी थे वो भी शर गैंग के थे, वो हम नहीं पकड़ सके, निकल गए हमसे, और लेकिन ये है कि हमारे IPOs जारी हैं, और इंशाल्लाह हम आपको मुस्तकबिल में भी अच्छा रिजल्ट देंगे इसका। जी ये टारगेटेड ऑपरेशंस जारी हैं, लार्ज स्केल आप नहीं कह सकते, जिस तरह किसी इलाके में चढ़ाई की जाती है वो पॉलिसी भी नहीं, लेकिन टारगेटेड ऑपरेशन हो रहा है, और इंशाल्लाह उसके रिजल्ट भी ज़्यादा आपको मज़ीद मिलेगा। रात में हमने खमड़ा में भी एक बड़ी कार्रवाई की, लेकिन चूंकि वो इतनी रिजल्ट जनरेट नहीं कर सकी, तो ज़ाहिर हम उस तरह से उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते, लेकिन हर रात हमारी कार्रवाई जारी है। रात की कार्रवाई हमारे रेंजर्स के साथ थी खमड़ा के इलाके में, बड़ी कार्रवाई थी, लेकिन यह कि चूँकि वो उस तरह से सक्सेस नहीं मिल सकी, और आज आपके इलम में होगा, हम एक आपको और प्रेस रिलीज देंगे, हमने 4 अफराद गिरफ़्तार किए हैं, जिनसे मिले तो छोटे वेपन्स हैं, लेकिन उनके मोबाइल से हमें एविडेंस मिला है, उसमें वो दा छक्का रॉकेट लॉन्चर, उनके गोले वो पेशावर से मंगवा के कच्चे में बेच रहे थे, तो ये भी पुलिस की एक बड़ी कामयाबी है, वो हम आपको तमाम एविडेंसेस दिखाएंगे। वो पेमेंट भी ऑनलाइन कर रहे थे, उनके पास तमाम रिकॉर्ड मौजूद है, एक एक वक्त में 9-9 गोले बमों के 35,000 रुपये के रेट से वो बेच रहे थे, तो ये भी अलहम्दुलिल्लाह हमारी बड़ी कामयाबी है। लेकिन नॉर्मली इनके सहूलत कार क्रिमिनल्स हैं, वो इनसे थोड़े छोटे लेवल के क्रिमिनल्स होते हैं, कुछ स्नैचिंग में इन्वॉल्व होते हैं या लोकल लेवल पे चोरियों में इन्वॉल्व होते हैं, वो भी पकड़ रहे हैं। लास्ट टाइम जब हमने अरेस्ट किया शाबान नाम के बंदे को, तो रजब रिंद नाम का लड़का, वो पक्के पे रहता था, वो भी उसके साथ अरेस्ट हुआ, तो
वो उसकी सहूलत कारी कर रहा था। तो ये है कि हमें जैसे ही कोई एविडेंस मिलता है सहूलत कार का तो उसे भी अरेस्ट किया जाता है। ये हम अभी रिकॉर्ड चेक करें क्योंकि आज के वाक़ कश्मीर में तो हैं इस पर केसेस, पंजाब में भी यकीन है इन पर केसेस हो।